इसलिए आत्मा ख्याल में नहीं आता है।
कुछ गुरुदेव से एक दृष्टांत देते हैं, आपको मालूम होगा कि बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग माँ जी थे, अभी वो घर में माने कि दोरा होता है ना, वो सुई में परो रहे थे। आप क्या बोल रहे हैं? तो उसमें क्या हुआ कि वो कार्य कर रहे थे, उतने में वो सुई गिर गई और जैसे सुई गिरी उसी समय लाइट चली गई। योगानुयोग सब होता है ना। तो वो दोरा परोवणी करने के टाइम पे ही सुई में परोवणी कर रही थी और सुई गिर गई और लाइट चली गई। अभी उसने ढूंढना किया, सुई ढूंढने के लिए पुरुषार्थ चालू किया। फिर पुरुषार्थ करते करते बाहर में उजास था तो वो बाहर चली गई और वहां ढूंढने लगी। किसी ने पूछा तो क्या ढूंढ रहे हो? तो मेरी सुई गिर गई है। बोले कहाँ गिर गई है? तो गिरी तो अंदर में है मगर वहां तो अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर ढूंढती हूं। जीव की स्थिति ऐसी है, जहां उजास है चैतन्य तत्व का वहां उसको अंधेरा लगता है और जहां अंधकार है वहां उसको उजास लगता है। ऐसी स्थिति है जीव की, माने कि जहां चैतन्य परमात्मा विद्यमान है वहां वो उसकी खोज नहीं करता है, वहां वो उसको ढूंढता नहीं है, और जहां वो नहीं है वहां वो देख रहा है यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। बनारसी दास जी ने एक छंद बनाया है, कोई कहे प्रभु हेठे जमी के, कोई कहे ऊपरी आसमान के, कोई कहे प्रभु हे मंदिर में, मेरो धड़ी नहीं दूर देशांतर, मोही में है मोही सूचत नीके। किसी को लगता है कि जमीन में है, किसी को लगता है ऊपर आकाश में है, किसी को लगता है मंदिर में है, मगर मेरो धड़ी तो मेरे में ही है और मुझे दिख भी रहा है फिर भी मैं नहीं देखता। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बार बार सबको जानने में आ रहा है मगर उसकी नजर ही नहीं जाती वहां। स्थिति ऐसी चलती है। तो अपने को जहां आत्मा है वहां ढूंढने गए तो ही अपने को आत्मा मिलेगा, जहां आत्मा नहीं है वहां उसकी शोध करेंगे तो आत्मा मिलेगा नहीं। इसलिए आत्मा चैतन्य सत्ता देह देवड़ में विराजमान देह से भिन्न ऐसा चैतन्य परमात्मा अपने पास अपने में अपने पास कहना वो तो दूर हो जाता है, अपने पास उसका मतलब बहुत दूर, नहीं परमात्मा अपने पास माने पर्याय की ओर से कथन आ गया, मगर नहीं परमात्मा ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा अनादि अनंत परमात्मा, ऐसा नायक देव, ऐसा परम परिणामी भाव लक्षण वाला मेरा स्वरूप वो मेरे में ही विद्यमान है फिर भी मेरी नजर ही उधर नहीं जाती। तो उसकी नजर कैसे जाए उसकी चर्चा अपनी सवेरे उपयोग लक्षण के माध्यम से अपनी चली चर्चा है। लक्षण होता है ना, वो लक्षण प्रति समय प्रकट होता है। लक्षण ही इसे बोलते हैं कि वो लक्ष्य के साथ अनन्य हो, माने कि लक्ष्य को कभी छोड़े ही नहीं, उसी को सचमुच में लक्षण कहा जाता है। तो वो लक्षण की चर्चा जो पूज्य गुरुदेव श्री ने भी सवेरे वो एक प्रकाश शक्ति का दृष्टांत आप देखे बहुत अच्छी तरह से वो चर्चा ली थी। अपने में जो शक्तियां है ना 47 शक्तियां, उसमें 47 शक्तियां में एक प्रकाश नाम की 12वीं शक्ति है, जीवत बची की दसी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदशित्व सर्वज्ञत्व सचत प्रकाश। प्रकाश नाम की जो 12वीं शक्ति है उसकी व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है। ये अमृतचंद्र आचार्य ने जो
समयसार परमानंद की टीका की, अंकुर आचार्य ने गाथा की रचना की, अमृत चंद्र आचार्य ने उसकी टीका ने विस्तार किया और 278 कलश लिखे। बाद में ये समयसार 415 गाथा में पूरा हो गया। बाद में अमृत चंद्र आचार्य देव को विचार आया कि इसमें कई बातें ऐसी है कि वो तो कही गई है, मगर वो उसका ज्यादा स्पष्टीकरण करना जरूरी है, और कई बातें ऐसी है कि इसमें नहीं आई है, उसको लिखना जरूरी है। ऐसा सोच के उसने एक परिशिष्ट की रचना की। परिशिष्ट में शक्ति भी लिख दी, कलश लिखे, शक्ति लिखी। 246 कलश पूरे हो गए 415 गाथाओं की, 247 कलश से परिशिष्ट की रचना उसने की। तो उसमें शक्ति का प्रकरण लिखा उसने, उसमें 47 शक्ति का एक एक की एक एक शक्ति लिख के उसकी व्याख्या करके उसमें वर्णन किया। तो शक्तियां उसने क्यों लिखी कि भाई आगे कहीं कोई 415 गाथा में शक्तियों का वर्णन नहीं आया, तो आत्मा तो अनंत शक्ति संपन्न है, आप बोलो कि आत्मा कैसा है तो उसका वर्णन कैसे करें। तो अमृत चंद्र आचार्य को ऐसा लगा कि आत्मा का वर्णन भी करना हो तो उसमें अनंत गुण है, ऐसी अनंत शक्तियां उसमें पड़ी है, तो इसलिए उसने शक्तियों की रचना 47 शक्तियों की रचना की। 47 शक्ति लिखी समय सार में, प्रवचन सार में 47 नहीं लिख दी, उपादान निमित्त के दोहे भी भैया भगवत दास ने 47 लिखे, और घात्या कर्म की प्रकृति भी 47 होती है। तो ये 47 का आंकड़ा आ गया। तो ये अमृतचंद्र आचार्य ने ये 47 शक्ति लिख के उसमें ऐसा कह दिया कि जिसको ये शक्ति ख्याल में आ जाए तो उसकी नजर शक्तिवान पर चली जाए, और शक्ति की परिणमन की स्थिति नियम से शुद्ध होती है। शक्ति का परिणमन कभी अशुद्ध नहीं होता। द्रव्य को जो देखे, द्रव्य में जो शक्तियां है उसको देखे, तो उसकी व्यक्ति तो शुद्ध ही होनी चाहिए। तो उसने लिखते लिखते एक 12वीं शक्ति पे वो आ गए। तो 12वीं शक्ति में स्वयं प्रकाशमान विषय विशद स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, ऐसी एक शक्ति लिख दी उसने, 12वीं शक्ति को। गुरुदेव ने भी आज उसको याद किया था, ये 12वीं शक्ति को आज सवेरे मुझे गुरुदेव श्री ने इसकी चर्चा इसमें उठाई थी। ये गुरुदेव की एक गजब की शैली है कि जहां जो प्रकरण आता है ना, चलता है ना, उसको सभी जगह से ढूंढ के वो अपने पास दे देते हैं। यहां अभी अनुभूति की चर्चा चल रही है, ज्ञान में आत्मा का अनुभव कैसे हो उसकी चर्चा चल रही है, तो इसके लिए उसने वहां से 47 शक्ति में से 12वीं शक्ति निकाल के ये चर्चा यहां उठाई। 12वीं शक्ति उसमें कहना ये चाहते हैं, देखो सवेरे आया था ये जो है, पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि आत्मा में एक प्रकाश नाम का गुण है, वो इस गुण के कारण आत्मा को जानते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो लक्षण है, वो लक्षण लक्ष्य से अनन्य है, ऐसा अपन जो कहते हैं वो परोक्ष है, वो परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में होता है। परोक्ष है ज्ञान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है, ज्ञान में आत्मा है, लक्षण लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, ज्ञान नायक को छोड़ता नहीं है। ऐसी जो चर्चा आ रही है वो जब तक उसको पर्याय में प्रत्यक्ष वेदन नहीं आता तब तक वो ज्ञान आत्मा से परोक्ष है। कथनचित अनन्य होने पर भी जब तक उसको ऐसा भास नहीं होता कि मेरा ज्ञान मेरा आत्मा से अनन्य है, ऐसा उसको भासित नहीं होता तब तक उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, तो तब तक वो परोक्ष रहता है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं
कि आत्मा में एक प्रकाश नाम का गुण है, इस गुण के कारण आत्मा को जानते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है। इस गुण के कारण, वो गुण कैसा है कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ऐसा उसका लक्षण बांध दिया है शक्ति का, प्रकाश शक्ति का लक्षण बांधा कि वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष प्रकाश शक्ति होने से इसी प्रकाश शक्ति सब जीव के पास है, अंदर में इसी वक्त सभी जीवों के पास इसी प्रकाश शक्ति विद्यमान है कि जिसमें से अभी चैतन्य का प्रकाश अनुभूति रूप प्रकटेगा, ऐसी प्रकाश शक्ति सबके पास विद्यमान है। ऐसी प्रकाश शक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि वो जानते हैं, इस गुण के कारण आत्मा को जानते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है। बोले क्या कहा पीछे 47 शक्ति है ना, 47 शक्ति बाद में गुरुदेव उसका नाम कहते हैं कि जीवन बचिति रसिकनाथ सुवीर्य प्रभु त्वेव तो सर्वते सर्वोच्च प्रकाश। बाहरवीं शक्ति है, 47 शक्ति है, उसमें बाहरवीं शक्ति में ऐसा कहा है कि आत्मा में एक प्रकाश नाम का गुण है कि जो गुण स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो जाता है। ये गुण ही ऐसा है कि ये गुण कब उसको पता चले तो वो प्रत्यक्ष अनुभूति उसको हो जाती है, ऐसा कहना चाहते हैं। ध्यान के काल में प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष रहता नहीं। जब ध्येय स्वरूप जो अपना शुद्धात्मा है उसका जब ध्यान लगता है तो वो ध्याता बन जाता है, ध्येय का ध्यान करने वाला ध्याता बन जाता है। माने कि ध्याता पुरुष ऐसा भावना करता है कि मैं तो सकल निरावरण खंडे प्रत्यक्ष प्रतिभास नहीं अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वो ही मैं हूं। ध्याता पुरुष कैसे ऐसी भावना करता है कि वो ध्येय को ध्यान में लक्ष्य में लेके वो ध्याता बन जाता है, तब उसकी भावना ऐसी प्रकट हो गई ऐसा कहने में आता है। तो वो जो गुण है वो प्रत्यक्ष स्व संवेदन हो जाता है, ध्यान के काल में प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष रहता नहीं। सम्यक दर्शन के काल में ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाता है, सम्यक दर्शन में तो प्रतीति है, सम्यक दर्शन को जानता नहीं, यह तो प्रतीति है, परंतु सारा आत्मा जानने में आया कि पूर्णानंद का नाथ यह पूर्ण है, यह जानना फिर उसकी श्रद्धा करना और फिर उसका आचरण करना है। अभी ये प्रकाश शक्ति का वर्णन किया है, अभी देखो प्रत्यक्ष जो वेदन होता है ना, आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन, इसमें प्रत्यक्ष वेदन की चर्चा ही ना, तो प्रत्यक्ष वेदन कैसे होता है उसको दृष्टांत से हम समझते हैं कि वेदन कैसे होता है। वेदन तो पहले नियम से ज्ञान में होता है, ये शरीर है ना, शरीर अपना ये शरीर है वो क्या है, अवयवी है, अवयवी इसमें अंगोपांग है ना, उसको अवयवी बोला जाता है, हाथ है, पैर है, नाक है, सब चीजें हैं, तो ये अवयवी है, और ये एक 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 उसका अवयव है। ऐसे ही आत्मा में आत्मा है वो अवयवी है, एक 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 उसके गुण है अंदर में, और एक एक गुण की एक एक पर्याय प्रकट होती है। जैसे ये पूरा अवयवी है तो अवयवी का अवयव होता है, वो अवयव अवयवी से अलग नहीं होता। अवयवी का जिसको अवयव बोला जाए उसको आप अलग नहीं कर सकते हो, जो अवयवी का अवयव नहीं होता वो अलग हो सकता है। जैसे कि राग है तो राग है तो वो सदा उसके साथ रहता नहीं, वो अलग हो सकता है। ज्ञान सदा उसके साथ रहता है, ज्ञान का उपयोग भी सदा उसके साथ रहता है, ज्ञान का गुण भी उसके साथ रहता है, तो वो उससे अलग नहीं हो सकता। तो ये जैसे शरीर अवयवी है और एक 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 उसका अवयव है, तो ये समझ लो, और ये इसको क्या बोलते हैं, नाखून, नाखून माने कि इसमें खून नहीं है, उसको बोला जाता है नाखून। अभी इसको ये नाखून को बढ़ा दो आप, कोई कोई लोग बढ़ाते हैं ना, उसको बड़ा करते हैं, बाहर निकालते हैं, समझ लो कि आपको बुखार आ गया,
दो तीन 102 दिन बुखार हो गया है, डॉक्टर साहब बैठ गए यहाँ, तो 102 दिन बुखार आ गया, तो अभी वो बढ़ा हुआ नाखून है उसको आप इधर फिराओ, ये अभी अभी है ना, वहां आप उसको फिराओ तो पता नहीं चलेगा कि शरीर में बुखार है कि नहीं है, पता नहीं चलेगा है। तो ये बढ़ा हुआ नाखून है ना, वो राग है। क्या है? राग है। क्यों राग है? कि उसमें खून नहीं है नाखून में, राग में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो राग है, समझे। और ये जो है ना, ये टेढ़वा, क्या बोलते हैं इसको, ये उंगली का ये भाग है ना, तो ये चीज जो है, ये तो आत्मा हो, ये शरीर अवयव ही है, उसका अवयव है। अभी ये अवयव है ना, इसको यहाँ आप फिराओ, इसको यहाँ रखो, तो आपको पता चल जाएगा बुखार है, पता चलेगा ना कि बुखार है। तो ये राग है बड़ा हुआ नाखून, उससे तो पता नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि वो अपनी चीज नहीं है। और ये तो शरीर का अवयव है, शरीर की चीज है, तो शरीर की चीज से पूरा शरीर का पता चलता है। ऐसे ही जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो ज्ञान है, वो आत्मा का अवयव है। राग है वो आत्मा का अवयव नहीं है, इसलिए ज्ञान जब आत्मा में प्रसरता है, आत्मा के साथ अनन्य है, ऐसा सब मालूम उसको जब पड़ता है, तब वो ज्ञान में आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन आ जाता है। तो अवयव से अवयवी पकड़ में आता है, अवयव से अवयवी का ख्याल आता है, ज्ञान लक्षण से ज्ञायक की माने की वेदन की स्थिति उपस्थित होती है। ऐसा लक्षण सबके पास मौजूद है, ऐसा लक्षण जो है वो प्रकाश शक्ति है, वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, प्रकाश शक्ति खुद स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष कब होवे, कि अपना जो ज्ञान रूपी प्रकट लक्षण है उत्पाद वाला, वो लक्षण में ज्ञायक अनन्य होने का उसको ख्याल आ जा रहा है कि मेरा ज्ञान में तो मेरा ज्ञायक है, मेरा ज्ञान में तो आत्मा बस रहा है, मेरा ज्ञान तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। ऐसा जब उसको ख्याल में आता है तो उसको अनुभूति हो जाती है। ऐसी अनुभूति होवे तब उसको ये अनुभूति है वही मैं हूं, अनुभूति है वही मैं हूं, वो तो त्रिकालीन व्यय की चर्चा है। अनुभूति होती है पर्याय में, अनुभूति वही मैं हूं ऐसा यहां लिखा है गाथा में, वो तो त्रिकालीन द्रव्य वो मैं हूं ऐसा कहना चाहता है, मगर ऐसा त्रिकालीन द्रव्य में हूं ऐसा जब उसको ख्याल में आता है तब उसको उसकी ज्ञान की पर्याय में वेदन रूप प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तब कहा जाता है कि ये जीव को ज्ञान में आत्मा का अनुभव हुआ, तब वो आत्मा का वो श्रद्धान किया, तब वो उसका आचरण किया, तब वो कर्मों से छूट जाएगा। ऐसा आत्मा का ज्ञान सबके पास प्रकट रूप है, वो प्रकट रूप ज्ञान में आत्मा विद्यमान है, वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, और वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मेरे में कोई शक्तियां पड़ी है, प्रकाश शक्ति के साथ अविना भाव रूप से सब शक्तियां पड़ी है, वो विभुत्व गुण के कारण सब गुण एक दूसरे गुण में लक्षण उसका अलग अलग होने पर भी व्यापक रूप से वर्त रहे है। ऐसा जब मेरे को ख्याल में आता है तब पूरे आत्मा की अनुभूति एक ज्ञान का परिणमन में पूरा आत्मा स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष होके अनुभव में आ जाता है, और वेदन पूर्वक जब उसको आत्मा का ख्याल आता है तब ऐसा कहा जाता है कि ये आत्मा, इसका अभी इस समय उसके ऊपर दृष्टि पड़ी, उसका उसमें लीनता हो गई, तो ये जीव का ये समय में दृष्टि मोक्ष हो गया, उसका श्रद्धान सम्यक हो गया, उसका अभिप्राय पलट गया, उसका अभिप्राय में विपरीतता चलती थी वो अभिप्राय अविपरीत हो गया। ये अभिप्राय की बहुत महत्व की चीज है, उसका अभिप्राय क्या चल रहा है, उसकी श्रद्धा में अभिप्राय कैसा चल रहा है,
मैं एक नायक भाव हूं और मेरा नाम में मेरा नायक भाव विद्यमान है, ऐसा अभिप्राय चल रहा है कि मैं राजिंद्वेषी मोही हूं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे मेरा ज्ञान परलक्ष कर रहा है, मेरा ज्ञान बहिर्मुखों के सबको जान रहा है कि मेरा ज्ञान मेरे आत्मा को जान रहा है, बस ऐसा ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। अभी जो प्रकरण शुरू हुआ ना, वो भेद ज्ञान की प्रक्रिया का अभी प्रकरण शुरू हुआ है, दूसरा पैराग्राफ में आया है। वो दूसरा पैराग्राफ में जो भेद ज्ञान की प्रक्रिया आई है उसको भी अपन थोड़ा अभी शुरू करते हैं। देखो आज का जो अभी अभी जो प्रवचन चला ना कुछ गुरुदेव श्री का, उसमें तो जो पहले तो यही चर्चा चली कि आत्मा का ज्ञान कैसे होवे, उसकी प्रतीति कैसे होवे और उसका आचरण कैसे होवे, तब वो कर्मों से छूटा छूट सकता है। और बाद में पूज्य गुरुदेव श्री ने उस बात को आगे बढ़ाकर वो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद स्वरूप उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है, ऐसा कहकर ध्येय की और साध्य की चर्चा उठाई। अपन ने कल लिया था वो ध्येय और साध्य का भी। ध्येय है ने वो त्रिकाली द्रव्य है, है वो शुद्ध आत्मा है, और ध्येय है वो परिपूर्ण दशा, साध्य है वो परिपूर्ण दशा मोक्ष है। वो मोक्ष दशा होती है ना उसको निष्कर्म अवस्था बोला जाता है, और जो ध्येय है ना उसको निष्क्रिय बोला जाता है। ध्येय है वो निष्क्रिय है, और साध्य जो मोक्ष दशा है वो निष्कर्म दशा है। निष्कर्म दशा माने कि आठों कर्म का अभाव हो गया, अभी कोई कर्म उदय में आने वाले नहीं है, सभी कर्म का माने कि सर्व कर्म का अभाव हो गया, वो सर्व कर्म का अभाव रूप जो एक निष्कर्म दशा प्रकट हुई उसको साध्य दशा बोला जाता है। साध्य दशा यानी मोक्ष दशा, जो जीव एक बार मोक्ष में चला जाता है वो फिर कभी वहां से वापिस नहीं आता। पूज्य गुरुदेव श्री को एक प्रश्न किया था कि भाई ये सिद्ध परमात्मा इतने इतने जाते ही रहते हैं, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्ध में चले जाते हैं और 6 महीने में 8 समय में 608 निगोद से निकलते हैं, ऐसा क्रम अनादि से चल रहा है चतुर्थ काल में, तो ये जो क्रम चल रहा है तो ये क्रम में सिद्ध परमात्मा इतने 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 अनादि से हो गए, तो वो सिद्ध परमात्मा ऊपर करते क्या हो गए, ऐसा ये प्रश्न पूछा है ना ज्ञान गोष्ठी देखा, ये ऐसा प्रश्न पूछा कोई श्रोता आया था, उसने प्रश्न पूछा कि वो सिद्ध परमात्मा करते क्या हो गए उधर ऊपर, अभी उसको वापिस नहीं आना है, उसको दूसरे कोई जीवों का कल्याण करने की भी बात नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो तो वो सिद्ध परमात्मा ऊपर करता क्या होगा, वो ऊपर जाके क्या करता होगा। ये कर्ता बुद्धि इतनी जीव को पसंद है कि कहीं ना कहीं कर्तापना ही दिखता है उसको, अकर्तापना ख्याल में नहीं आता। अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि स्वभाव से अकर्ता है वो उसको पकड़ में नहीं आता, और सिद्ध पर वो लगाता है कि सिद्ध परमात्मा क्या करते होंगे, क्या करते होंगे, अरे वो क्या करते होंगे, वो तो आनंद की घूटे पी रहे हैं, वो तो आनंद में तरबोड़ है, है? सिद्ध परमात्मा जैसे जानने वाला है ऐसे सभी जीव जानने वाला है, सिद्ध से थोड़ा भी अलग हुआ तो कर्तृत्व में तू चला जाएगा, ऐसा बोल आया था गुरुदेव का, सिद्ध जैसे जानने वाला देखने वाला है ऐसे तू भी जानन देखनहार है, उससे थोड़ा सा भी खस्ता तो कर्तृत्व में तू चला जाएगा, इसलिए ऐसा प्रश्न भी होता है। अभी वहां वो तो अनंत आनंद अनंत सुख माने कि कितना उसका अंदर में वो सिद्ध दशा होती है ना, तो जैसे पानी होता है ना, पानी आप फ्रिज में पानी रखते हो ना, वो तो पानी रख के जैसे उसका बर्फ हो जाता है तो वो चोसला हो जाता है, चोसला, ऐसे सिद्ध दशा में वो सिद्ध परमात्मा होते हैं ना वो ऐसा घनपिंड हो जाता है, वहां फिर ये द्रव्य है ना, ये गुण है ना, ये पर्याय है ना, ऐसा कोई भेद वहां नहीं रहता। उत्पाद व्यय निरंतर चलता होने पर भी सिद्ध परमात्मा जो है वहां पानी का बर्फ हो गया है, मगर वो बर्फ ऐसा है कि
उसमें से अभी पानी होने वाला नहीं है। ऐसे हमारे सिद्ध परमात्मा है, वो सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को ये ऐसा प्रश्न उठाता है जीव, तो ये निष्कर्म अवस्था होती है वो सिद्ध दशा, माने कि मोक्ष दशा है। आत्मा तो जब गुण स्थानातीत होता है ना, है उसमें 14वां गुण स्थान भी नहीं है, वो गुण स्थानातीत को मोक्ष बोला जाता है। तो ऐसा जो निष्कर्म अवस्था अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। तो माने कि एक तो निष्क्रिय त्रिकाली द्रव्य है वो ध्येय परमात्मा है, और जो निष्कर्म अवस्था होती है वो साध्य रूप मोक्ष दशा है। तो वो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी इसी प्रकार सिद्धि की उत्पत्ति है, अन्यथा अनुपत्ति है। ऐसा करके ये पूरा ये एक पहला पैराग्राफ पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरा किया। अभी दूसरा पैराग्राफ की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आज शुरू कर दी। देखो ये पहला पैराग्राफ ये हुआ, फिर दूसरा पैराग्राफ है वो उसमें लिखा है कि अब इसी बात को विशेष रूप से समझाते हैं। ये जो ऊपर की बात है ना पहले पैराग्राफ की, उसी को ज्यादा स्पष्टीकरण करने के लिए दूसरा और तीसरा पैराग्राफ आया है। तो दूसरा पैराग्राफ में वर्तमान पर्याय में वर्तमान जीव की स्थिति क्या चल रही है उसका पर्याय भेदों का ज्ञान आचार्य भगवान उसको करा रहे हैं। पर्याय भेदों का ज्ञान करा के ले जाना है उसको द्रव्य स्वभाव की तरफ, मगर उसकी दशा में क्या हो रहा है वो भी उनको ज्ञान कराते हैं। वो ज्ञान कराते हैं दशा में क्या हो रहा है, ऐसी दशा में तू लीन है ऐसा हो गया ऐसा नहीं बोलते, वो दशा का ज्ञान कराते हैं कि ऐसी भी तेरी स्थिति पर्याय को देख तो ऐसी तेरी स्थिति भी चल रही है, और द्रव्य को देख तो द्रव्य तो परिपूर्ण परमात्मा शुद्ध अभेद अखंड चैतन्य स्वभाव ही है, मगर उसी के साथ में एक तेरी पर्याय भी है, वो पर्याय में जो जो चल रहा है उसका यहाँ ज्ञान कराते हैं। जब आत्मा को इसमें गुजराती में जारे आत्मा ने अनुभव में आवता, अनुभव में आवता माने ज्ञान में आने, अनुभव माने कि यहाँ कोई वेदन वाला अनुभव की चर्चा यहाँ नहीं है, अनुभव में आने पर भी माने उसका नाम ऐसा ज्ञान में पता चलने पर, जब आत्मा को अनुभव में आने पर जो अनेक पर्याय रूप भेदभाव, अनेक पर्याय रूप भेदभाव माने कि सभी गुण की प्रत्येक समय में एक पर्याय जो प्रकट रूप है, तो अनेक पर्याय एक समय में प्रकट है, तो अनेक पर्याय रूप भेदभाव उसके साथ मिश्रित पना होने होवा चला, मिश्रित पना होने पर भी क्या कि अनेक पर्याय रूप भेदभाव उसके साथ मिश्रित पना होने पर भी सर्व प्रकारे भेद ज्ञान में प्रवीण पना से ये अनुभूति है वो ही मैं हूँ। देखो पहले क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा को अनुभव में आते हुए जो अनेक पर्याय रूप भेदभाव उसके साथ मिश्रित पना होने पर भी, ये मिश्रित पना पर्याय भेदों के साथ आत्मा का जो चल रहा है उसका मतलब क्या है कि जैसे अपनी सभी पर्याय हैं उसमें ज्ञान की पर्याय है, राग की पर्याय है, मिथ्यात्व की पर्याय है, वो सभी पर्याय एक साथ चल रही है और आत्मा भी उसके साथ में है। जैसे समझ लो कि बारिश आती है ना, बारिश गिरी है तो अभी मिट्टी है ना, मिट्टी पहली बारिश जब गिरती है तो मिट्टी होती है ना, वो कितना भी बारिश बरसे ना तो मिट्टी उसको पी जाती है, वो पानी को पी जाती है, पानी पानी स्वरूप है, मिट्टी मिट्टी स्वरूप है, मगर मिट्टी में पानी ऐसा मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है कि मिट्टी ही दिखाई देती है, पानी दिखाई ही नहीं देता। इसी तरह ये राधादि भाव के साथ आत्मा ऐसा मिलजुल गया है, ऐसा मिश्रित हो गया है, ऐसा एक में उसको लगता है कि आत्मा होने पर भी उसको जैसे मिट्टी में पानी होने पर भी पानी दिखता ही नहीं है,
ऐसा रागादि भाव, ऐसा रागादि भाव के साथ आत्मा मिश्रित हो गया है कि उसको आत्मा कुछ चैतन्य स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, पृथक स्वभाव है, ऐसा राग के साथ एकत्व बुद्धि के कारण उसको वो आत्मा अलग से, आत्मा या आत्मा का ज्ञान पृथक है ऐसा उसको दिखता ही नहीं, ये ऐसा मिश्रित हो गया है। और मिश्रित होने पर भी ये मिश्रित बना है ना, उसी का अर्थ जुड़ा है। मिश्रित बना का अर्थ क्या, कि दो चीज जब हो गए ना तो मिश्रित बना बोला जाता है। तो मिश्रित बने का अर्थ ही जुड़ा ही है, तो फिर दान कर रहा है आप। मिश्रित बना हो गया है उसका मतलब है कि दो चीज है, आत्मा भी है और पर्याय भी है, आत्मा भी है रागादि भाव भी है। तो दोनों का मिश्रित बना होने पर भी, मिश्रित बना भी हो गया है ऐसा होने पर भी जो भेद ज्ञान में प्रवीण होता है, जिसको भेद ज्ञान चलता है, जिसको स्व पर का भेद ज्ञान हो रहा है, ये पर है और ये स्व है, ये रागादि भाव है और ये नायक भाव है, ये रागादि भाव मेरा नहीं है और ये ज्ञान भाव ये मेरा है, ऐसा जो भेद ज्ञान में जो जीव प्रवीण है, जिसकी ऐसी भेद ज्ञान की प्रक्रिया प्रकट होने का स्वकाल होता है, वो जीव को मिश्रित पना में जुदाई बांधने लगती है। मिश्रित पना होने पर भी जी गुरुदेव से कहते हैं कि गेहूं गेहूं होता है ना, गेहूं और कंकर वो है तो दोनों साथ में मगर एक में तो नहीं हुए, मिश्रित दिखते हैं मगर मिश्रित का नाम ही जुड़ा है, मिश्रित है तो भी अलग अलग दिखते हैं। ऐसे यहां मिश्रित बना का अर्थ पृथक पृथक है, जुदा जुदा है, मगर तुझे तेरी ज्ञान की सूक्ष्मता इतनी नहीं हुई इसलिए तुझे वो एक मेक दिखने लगे हैं, मगर जैसे तेरा ज्ञान का उपयोग उगड़ेगा तुझे ज्ञान में पता चलेगा कि ओ हो ये तो राग है, ये तो आकुलता को उत्पन्न करने वाला है, ये तो दुख का कारण है, ये तो आश्रव तत्व है, मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं तो अनाकुलता लक्षण सूक्ष्म स्वभाव हूँ, मेरे में तो ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी बनी है। ऐसा जब तुझे भेद ज्ञान की प्रक्रिया पता चलेगी, ज्ञानी की वाणी से, ज्ञानी के श्रीमुख से तू सुनेगा, फिर तू अंदर में प्रयोग में उतरेगा निर्णय करके, तो तुझे भेद ज्ञान की प्रक्रिया ख्याल में आने लगेगी कि ऐसा भेद ज्ञान का प्रकार है तो रागादि भाव पृथक है और नायक भाव पृथक है, मिथ्यात्व अलग है नायक भाव अलग है, ज्ञान का अज्ञानत्व अलग है और ज्ञान का ज्ञानत्व अलग है, ऐसा तुझे पता चलने लगेगा तो तू भेद ज्ञान में प्रवीण हो जाएगा। तो मिश्रित पड़ा होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीण पड़ा, सर्व प्रकार से माने क्या, देखो ऐसा है सर्व प्रकार माने कहना ये चाहते हैं कि एक तो नायक से राग पृथक है, नायक से विभाव भाव पृथक है, और एक ज्ञान का उपयोग से भी राग भाव पृथक है, इसलिए द्रव्य से भी जुदा और ज्ञान का उपयोग से भी जुदा उसको बोला जाता है सर्व प्रकार से। सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणपणा, प्रवीणपणा माने क्या कि भेद ज्ञान में उसकी तीक्ष्णता हो गई, भेद ज्ञान में उसका ज्ञान इतना सूक्ष्म बन गया, इतना सूक्ष्म बन गया कि उसको एक प्रवीणपणा उसमें प्रकट हो गया, माने कि चेतना आ गई उसके ज्ञान में, उसकी ज्ञान में चेतना प्रकट होने का काल आ गया, तब उसको भेद ज्ञान में ये राग पृथक और ज्ञान पृथक ऐसा भासित हो गया, तो अनुभूति है वही मैं हूं ऐसा श्रद्धांति उसको उदित हो गया। जैसे सोगानी जी थे ना, सोगानी जी तो सोगानी जी कुछ गुरुदेव जी का प्रवचन सुनने गए, प्रवचन सुनने गए और गुरुदेव ने वहां ऐसी चर्चा उठाई कि ज्ञान जुदा और राग जुदा, ज्ञान जुदा और राग जुदा। सोगानी जी बैठे थे, जब पूज्य गुरुदेव श्री का ये वाक्य निकला और गुरुदेव ने
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये बात दोहराए। गुरुदेव की एक शैली है कि जो विषय ऐसा सूक्ष्मता बताता है उसको वो बार बार कहते रहते हैं। बार बार क्यों कहते रहते हैं? उसको अपना रस को खिलाते हैं, रस की खिलवट करते हैं, अपने चैतन्य रस की खिलवट करते हैं। उसमें सामने वाले की योग्यता हो तो उसको भी चैतन्य रस आ जाता है। ऐसी चैतन्य रस की उसको अंदर खिलवट चलती है तो एक ने एक बार, एक ने एक बात, दो बार, तीन बार, चार बार कहते हैं। सोगानी जी ने वो बात सुनी कि ज्ञान जुदा और राग जुदा, ज्ञान जुदा और राग जुदा। वो बात सुन के ही उसी समय उसको वहां निर्णय हो गया। उसी समय उसने निर्णय किया है वहां। ये निर्णय हो गया कि ज्ञान जुदा है, राग जुदा है, ज्ञान जुदा है, राग जुदा है। जैसे आत्मधर्म उसके हाथ में आया तो उसमें लिखा था कि आवश्यक एक ही है, छह आवश्यक नहीं, आवश्यक एक ही है। वो उसको ऐसी चोट लगी तो आत्मधर्म में पूज्य गुरुदेव सिंह का फोटा था उसके ऊपर अर्घ चढ़ा दिया उसने। ऐसी चोट लगी उसको, उसपे उस पर अर्घ चढ़ा दिया उसने कि आवश्यक एक ही है। ऐसी चोट उसको लगी और जब गुरुदेव का प्रवचन सुना, गुरुदेव का प्रवचन सुना कि ज्ञान जुदा राग जुदा, ज्ञान जुदा राग जुदा, तो उसी समय बैठे बैठे उसने निर्णय कर लिया। वो निर्णय करके उसने फिर क्या किया कि वो वहां समिति में गए, समिति की रूम में बैठे, बैठ के वो निर्णय को दृढ़ किया। बस वो निर्णय किया था ना, वो निर्णय की दृढ़ता की पूरी रात उसने, वो दृढ़ता करते 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 ऐसा प्रयोग चला, ऐसा प्रयोग चला, ऐसा प्रयोग चला कि वो दृढ़ता ही करते रहे, दृढ़ता ही करते रहे कि राग जुदा ज्ञान जुदा, राग जुदा ज्ञान जुदा, राग जुदा ज्ञान जुदा। ऐसा भेद ज्ञान की प्रक्रिया ही उसकी चलती रही पूरी रात में। यहाँ लिखा है ना कि सर्व प्रकार भेद ज्ञान में प्रवीण पणा से, तो ये सर्व प्रकार का भेद ज्ञान चलने लगा उसको। उसको नायक अलग दिखा, उसका ज्ञान गुण अलग दिखने लगा, उसकी ज्ञान की पर्याय उससे अनन्य दिखने लगी और राग रचक दिखने लगा। तो उसको भेद ज्ञान की प्रवीणता शुरू हो गई कि मेरा ज्ञान तो, मेरा नायक तो, मेरा गुण तो ज्ञानमयी है, ज्ञानमयी है, ज्ञानमयी है। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, और ये राग तो प्रथक है, राग तो प्रथक है, राग तो प्रथक है। ऐसा भेद ज्ञान का प्रवीणपणा अंदर से उसको उदित हुआ और वो निर्णय जो हुआ था वहां पे गुरुदेव का प्रवचन सुन के कि राग बिन ज्ञान बिन, राग बिन ज्ञान बिन, बस वो वहां आके पूरी रात में वो निर्णय की दृढ़ता की उसने। निर्णय की कीमत ये है, निर्णय माने अपन ने व्याख्या की थी, सबको याद होगी, जो पदार्थ का जीव को निर्णय होवे उस पदार्थ के लिए फिर विचार न करना पड़े उसका नाम निर्णय है। ऐसा निर्णय सोगानी जी को गुरुदेव का प्रवचन में हुआ और निर्णय हुआ फिर विचार नहीं किया उसने कुछ, वो निर्णय को दृढ़ किया उसने। वो निर्णय की दृढ़ता का नाम भेद ज्ञान में प्रवीण पड़ा है। वो भेद ज्ञान की प्रवीणता उसको चलने लगी, राग बिन ज्ञान बिन, राग बिन ज्ञान बिन। इसी तरह ये अनेक पर्याय रूप भेद पावो उसके साथ मिश्रित पड़ा होने पर भी सोगानी जी ने को पता नहीं था कि अभी रागादि पर्याय के साथ मिश्रित पना चल रहा है, वो पता नहीं था उसको। उसको ऐसा थोड़ा था कि ये ऐसे ही अलग हो गया है, सब ऐसा थोड़ा था। मगर वो मिश्रित पना होने पर भी उसको जुदाई ख्याल में आ गई, उसको मिश्रित पना होने पर भी भेद ज्ञान का प्रकाश शुरू हो गया कि राग तो मेरे से 200 गांव दूर है, दूर है उसका नाम भी नजदीक हो जाता है, इतना पृथक है वो। ऐसा उसको पता चल गया तो उसको ज्ञान की ऊर्ध्वता हो गई, नायक की ऊर्ध्वता हो गई। माने कि पूरा आत्मा ज्ञानमय है, ऐसा ज्ञानमय आत्मा वो मैं हूं और रागादि भाव मेरे से पृथक है, ऐसी भेद ज्ञान की प्रवीणता हुई। तब उसको ख्याल में आया कि ये अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा अहम हो गया। वो अहम का नाम, प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन बोला जाता है।
ये जो सोगानी जी का सम्यक दर्शन है ना, उसमें साथ सचमुच में तो गुरुदेव जो गुरुदेव की जो ज्ञानी पना की छाप जो अपन ने मार के रखी है ना, उसकी ये साबिती है कि कोई भी जीव को ज्ञानी के निमित्त से एक रात में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी का निमित्त पना ही अज्ञानी को ज्ञानी बना सकता है। कोई अज्ञानी का निमित्त पना से कोई सामने वाला जीव ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए ये जो गुरुदेव का जो तत्व है, गुरुदेव ने जो तत्व दिया है आचार्य भगवान के शास्त्रों में से निकाल कर, उसमें इतनी महिमामंत है वो बातें, इतनी गहनता है, इतना उसमें प्राण पूर गया है जीव आत्मा का कि उसको अगर वो समझ पूर्वक सुने फिर विचार करे तो निर्णय होता ही है। वो निर्णय वाला जीव है, वो निर्णय दृढ़ करता है जो हुआ है वो, तो उसको अनुभूति होती होती में होती ही है। ऐसी अनुभूति का नाम ये अनुभूति है, वही मैं हूं ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता, ये आत्मा जैसा जाना ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है, ऐसा श्रद्धान वेद ज्ञान की प्रवीणता से उदित होता है। देखो पूरे समयसार में वेद ज्ञान की चर्चा है, पूरे समयसार में आई है, समयसार में संवर अधिकार में श्लोक लिख दिया है 131वां श्लोक, वेद विज्ञान सीता सीता एकिन केचनम तस्य भाव को बद्धा बद्धा एकिन केचनम। जितने अभी तक सिद्ध परमात्मा हुए हैं वो वेद ज्ञान से ही हुए हैं, और जितने संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वेद ज्ञान के अभाव से परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए वेद ज्ञान दो के बीच में होता है, वेद ज्ञान ज्ञान और राग के बीच में होता है। पर का वेदना की तो चर्चा यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि पर तो प्रमाण के बाहर है, इसलिए उसके साथ तो वेदना का कोई प्रकार होता ही नहीं है, हैं? पर माने राग, पर माने एक समय की पर्याय, और स्व माने द्रव्य, बस इतना ही है अपना प्रकरण। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, उसमें पर माने पर्याय, स्व माने द्रव्य, उसका नाम स्वर का वेदना कि पर्याय में नहीं हूं द्रव्य में हूं, ऐसा वेद ज्ञान होता है तो द्रव्य में अहम होके अनुभूति सब जीव को हो सकती है, ऐसा ये वेद ज्ञान का प्रवीणपना यहाँ कहने में आया है। ये 17-18 गाथा का ये दूसरा पैराग्राफ का इसमें मर्म है, और भी ये पैराग्राफ में बहुत रहस्य है, अपन और भी उसको थोड़ा आगे कल चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये 17-18 गाथा तो इतनी प्रयोजनभूत है कि एक गाथा भी समझ लेने तो उसमें द्रव्य की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, श्रद्धा की, आचरण की, वेद ज्ञान की, बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है ऐसी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की, वो सब चर्चाएं 17-18 गाथा में है। इसलिए मुझे गुरुदेव श्री को भी बहुत प्रिय थी, सभी जीव ऐसी गाथा का स्मरण करके अपना निर्णय करके, निर्णय को दृढ़ करके अनुभूति के मार्ग में प्रयाण करें।